हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सी कपिल गोयल। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं दो बहुत प्यारे प्यारे से मतलब छोटे छोटे से सर स्टैंडर्ड एस आर एस स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो बहुत ही प्यारे से स्टैंडर्ड हैं, 10-10 मिनट में दोनों खत्म हो जाएंगे। और पहले वाले स्टैंडर्ड के अंदर तो एक ही क्वेश्चन बनता है, ये बस आज हमें करना है। इस वीडियो का यही टारगेट है, छोटा सा प्यारा सा वीडियो रहेगा ये आपके लिए। और एस आर एस 4410 जो है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बड़ा सिंपल, लेकिन एग्जाम में आप आ सकता है क्वेश्चन। और भैया सारे नए एडिशन है, तो अगले 2-4 अटेम्प्ट तक तो ये कम से कम इनका बोलबाला रहेगा, और उसके बाद मुझे लगता है वापस से एस आर एस ऐसे ही ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन अभी तो आपको करना ही करना है। तो सबसे पहले एक एस आर एस हम करते हैं, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस फुल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो। ये बोलता है आपको, एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल्स। पहला वर्ड बस ध्यान रखना है आपने, क्या? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है साहब कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और कोई भी कंपनी आपको फोन करती है कि सर क्या आप हमारे यहाँ पर आएंगे? आपने कहा जी बिल्कुल आएंगे, बताओ क्या काम है, क्या ऑडिट करना है, क्या टैक्स ऑडिट करना है? क्या हो गया? नहीं 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 भाई साहब, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ हमारे यहाँ पर आना है, और आकर आपने हमारे डेटर्स का एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना है। आप बोलोगे यार ये काम तो आपका ऑडिटर कर लेगा। आप फिर आपको मैनेजमेंट बोलती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, ऑडिटर जो करेगा वो अपना ऑडिट करेगा, हमें हमारी कंपनी के लिए भी तो हमें हमारे डेटर्स को देखना है ना, कि किसका पैसा कितने टाइम से पेंडिंग है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप फिक्स एसेट्स के लिए सोच सकते हो, आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बोल सकते हो। तो आपको कोई एक प्रोसीजर दे दिया कि आप बस हमारे यहां पर आओ और एक ये काम कर कर चले जाओ, आपकी छुट्टी, और आपसे हमें कुछ नहीं करवाना। मतलब ये कि आप कुछ भी एग्री कर लो हमारे साथ, कोई भी एक काम मैनेजमेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके एग्री कर सकते हैं, और उसके लिए मैं वो काम परफॉर्म कर सकता हूं। तो आप जरा सभी सोचकर बताइएगा, क्या स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस के अंदर मैंने कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट लिया? नहीं सर। क्या मैंने कोई ओपिनियन दिया? नहीं। क्या मैं कोई कंफर्ट दे रहा हूं किसी चीज के ऊपर कि भैया पब्लिक मेरी रिपोर्ट को यूज करे? नहीं सर। मैं तो कोई भी मैनेजमेंट बोल सकती है कि भैया आप हमारे यहाँ आओ, आप हमारे डेटर का काम कर दो, इन्वेंटरी का काम कर दो, कोई भी एग्रीड अपन प्रोसीजर करके मैं अपना काम करके जा सकता हूं। और उस दौरान जब मैं वो काम करूंगा तो एस आर एस 4400 4400 को मैं फॉलो कर सकता हूँ। तो आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट ये आ सकती है कि कपिल सर एक बात बताइए, जब यहाँ पे हम टेक्निकली कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे जहाँ पे कोई रिस्क है, तो फिर ये एस आर एस की रिक्वायरमेंट ही क्या है? एस आर एस जस्ट फॉर गाइडेंस पर्पज है कि जब भी आप कोई भी काम करें, ठीक है, जहां पे सिर्फ आप एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कर रहे हो, तो आप कुछ चीजों को फॉलो कर सकते हैं। रिपोर्ट कैसे बनानी है उसका एक गाइडेंस दिया हुआ है। हालांकि अगर आप बोलो तो प्रैक्टिकली, जैसे अगर आप किसी सीए से पूछोगे जो डेली बेसिस पे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में काम कर रहा है, मैं आपको रियल बता रहा हूं, अगर आप उनसे पूछोगे कि भैया आपने मान लो किसी कंपनी का इन्वेंट्री पे काम किया है, तो आपने कौन सा एस आर एस फॉलो किया, वो आपको नाम भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि इन सब चीजों की रियल लाइफ में इतनी खास कोई रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। चलो सर बहुत हो गई बातचीत, आपको आई होप पर्पस समझ आया हो, तो ये कोई ओपिनियन नहीं है। तो सर क्या यहां पे इंडिपेंडेंट होना जरूरी है इस तरह के काम के लिए? नहीं जी, अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं भी हो तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट या कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये था हमारा एस आर एस 4400 खत्म, बस इसमें और कुछ है ही नहीं, कंटेंट तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑडिट को अपने को घुमा के लिखना है। अगला जो एस आर एस है, एक बार उसका भी जिक्र कर लेता हूं मैं पहले, अगला जो एस आर एस है एस आर 4410, ये आपको काम दिया जा रहा है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको यहाँ पे ऑडिट के लिए, एश्योरेंस के लिए, रिव्यू के लिए नहीं बुलाया जा रहा, आपको बुलाया जा रहा है कि आप हमारे यहाँ आओ, और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है आप उसके हिसाब से हमारे फाइनेंशियल्स को कंपाइलेशन में मेरी मदद करो। मतलब आप मैनेजमेंट के साथ उसके फाइनेंशियल बनाने में उसकी मदद कर रहे हो, ना ही रिव्यू कर रहे हो, ना ही एश्योरेंस कर रहे हो, ना ही ऑडिट कर रहे हो, मैं कंपाइल करवा रहा हूं। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है ना कंपाइलेशन, मैनेजमेंट एक एक्सपर्ट के रूप में मेरी हेल्प ले रही है, मैं मैनेजमेंट को उसके फाइनेंशियल्स बनाकर दे रहा हूं, फिर कोई दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका ऑडिट करेगा। तो बनाने में कह रहा है आप एक एस आर एस फॉलो कर लेना, एस आर एस 4410। यहां पे भी सिंपल सिंपल बातें बोली गई है, दो क्वेश्चन बनते हैं, खास इसके अंदर भी कुछ खास दम है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एस आर एस 4400 एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। तो इसके अंदर सबसे पहले बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, मैं रीड पूरा करवाऊंगा जी, ठीक है। आप चाहो तो सेल्फ भी रीड कर सकते हो, 15-15 मिनट में दोनों सेल्फ रीड हो जाएंगे, लेकिन बेटर एक बार वीडियो देख लो, पूरा आइडिया मिल जाएगा आपको, और सारे क्वेश्चन तो करने ही वाले हैं, आईसीए स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन हैं, एट द एंड देखेंगे। देखिएगा, ऑब्जेक्टिव
फॉर ऑडिटर टू कैरी आउट प्रोसीजर ऑफ ऑडिट नेचर टू विच द ऑडिटर एंड द एंटिटी एंड अप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी हैव एग्रीड एंड टू रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग देयर ओन. आप जो भी फैक्चुअल फाइंडिंग रहेगी उसके हिसाब से आप अपनी रिपोर्ट बनाकर दे देंगे. डिफरेंस क्या है जी ऑडिट वर्सेज एग्रीड अपन प्रोसीजर में, क्या डिफरेंस है? तो ये है मेरा आपके लिए क्वेश्चन नंबर वन जो आपने अपने एग्जाम में कर कर जाना है. ठीक है, या आपने अपने एग्जाम में अपनी नोटबुक में अगर आप समरी बना रहे हो सभी स्टैंडर्ड्स की, तो SRS 4400 से पहला क्वेश्चन आप ये बनाएंगे, व्हाट इज ऑडिट वर्सेज एग्रीड अपॉन प्रोसीजर. तीन पॉइंट इसके अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ. देखिए क्या कहता है. आपको एक मिनट का ब्रेक देना पड़ेगा क्योंकि गेट पर कोई है, मुझे देखना होगा. लो जी लो, आई एम बैक. तो देखते हैं एक बार क्या कहता है ये. एन ऑडिट एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड प्रोवाइड एश्योरेंस. ठीक है जी, एंड प्रोवाइड एश्योरेंस टू द यूजर्स इन एन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट. ओनली ए रिपोर्ट ऑफ द फैक्चुअल फाइंडिंग इज प्रोवाइडेड, नो एश्योरेंस इज गिवन टू यूजर्स. फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट टू इवैल्यूएट वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स पेबल. यहां पर एग्जाम्पल क्या लिया है, अकाउंट्स पेबल का. आप डेटर का, क्रेडिटर का, इन्वेंट्री का कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. मे स्टेट द फॉलोइंग, क्या जी, कंपेयरिंग नेम ऑफ मेजर सप्लायर एंड अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट टू द रिलेटेड नेम एंड अमाउंट इन ट्रायल बैलेंस. आपको सिर्फ बुलाया गया है कि भैया हमारे पेबल्स को मैच कर दो, हमारे सप्लायर का क्या बैलेंस आ रहा है बुक्स में, क्या उनकी इन्वॉइसिंग थी, वो सारा आपने चेक करना है. ऑब्टेनिंग सप्लायर स्टेटमेंट और कंफर्मेशन फ्रॉम सप्लायर्स, कंपैरिजन ऑफ स्टेटमेंट टू अमाउंट्स इन ट्रायल बैलेंस. बेसिकली आपको सप्लायर का लेजर चेक करने के लिए बुलाया गया है. ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर हो सकता है. तो बेसिकली डिफरेंस क्या निकाला आपने, सर वहां पे हम एश्योरेंस देते हैं, यहां पे जो हम रिपोर्ट बनाते हैं ये सिर्फ फैक्चुअल फाइंडिंग के बेस पे होती है, किसी भी तरह का कोई एश्योरेंस नहीं होता है. ये आपका क्वेश्चन नंबर वन था. ये रिपोर्ट किसके लिए हो सकती है, मैनेजमेंट के लिए हो सकती है, हो सकता है बैंक आपको सीसी लिमिट वगैरह देता है, आपने पढ़ा होगा. तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टॉक के लिए आप एग्रीड अपन प्रोसीजर कर रहे हो. रिपोर्ट इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू दोज पार्टी दैट हैव एग्रीड टू द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड. तो मैंने क्या किया, मैनेजमेंट को दे दिया. हो सकता है मैनेजमेंट अपना इंटरनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए या एक CFO अपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट के लिए बनवा रहा हो. ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीड अपन प्रोसीजर्स, ये जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है, एथिकल रिक्वायरमेंट, दिज ऑल आर मैंडेटरी, आपको फॉलो ही करना पड़ेगा. मान लीजिए अगर मैं रिलायंस में जाके डेटर का काम कर रहा हूं, तो क्या मैं बाहर आकर रिलायंस की इंफॉर्मेशन पब्लिक में फैला सकता हूं? नहीं. तो जो हमारी बेसिक एथिकल रिक्वायरमेंट है ना, वो सारी आपको फॉलो करनी पड़ेगी. उसमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम उसे ना फॉलो करें. हाँ, इंडिपेंडेंस आपको फॉलो करना चाहिए, बट अगर नहीं भी है तो चलेगा इंडिपेंडेंस. बट इफ यहाँ पे हमें वर्ड यूज करना चाहिए, प्रैक्टिशनर इज नॉट इंडिपेंडेंट, ही शुड, प्रैक्टिशनर शुड रेफर इन इट्स रिपोर्ट. ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ पे जो की बात है, बस वो एक यही बात इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ की सिंगल लाइन. तो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपने क्या करना है, पहला क्वेश्चन ये कवर करना है, बाकी सब आप स्किप कर सकते हैं. एंड यू कैन कवर ओनली दिस लाइन. ठीक है जी, एज ए नोट. उसके बाद डिफाइनिंग टर्म्स, कहता है जी एक एग्रीमेंट बना लो और उस एग्रीमेंट के अंदर सारी बेसिक बातें कवर कर लेना. तो जिस तरह से आप ऑडिट की बातें कवर करते हो ऐसे 210 के अंदर एग्रीमेंट में, उसी तरह से आप इस एंगेजमेंट की बातें भी कवर कीजिएगा. देयर शुड बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द एग्रीड प्रोसीजर. नेचर क्या है एंगेजमेंट का, उसका पर्पस क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, NTE ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर जो आप करने वाले हो, लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी आप क्लियरली लिखिएगा. ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग, इफ सच लिमिटेशन वुड बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लीगल रिक्वायरमेंट, द ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट. अगर किसी भी लीगल रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है तो आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत कीजिएगा. तो आपने देख लेना है कि जो काम आप कर रहे हो
अगर वो रिपोर्ट आपको लगता है कि सिर्फ मैनेजमेंट तक के लिए है तो वहीं पे रहनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट कहती है नहीं भैया हम तो इसे बैंक को भी देंगे गवर्नमेंट को भी देंगे तो उस केस में हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन करना है आपने सारी फैक्चुअल फाइंडिंग का, जो भी आप काम करने जा रहे हो सब अपना फैक्चुअल फाइंडिंग जो भी आपने डेटा लिया उसको आप डॉक्यूमेंट करते हुए अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। प्रोसीजर क्या रहेगा जी, ऑडिटर शुड कैरी आउट नेसेसरी प्रोसीजर्स जो भी आपको काम बुलाया गया है इंक्लूडिंग कॉम्प्यूटेशन कंपैरिजन ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन, जो भी आपने ऑडिट एविडेंस में देखा था ना एसए 500 के अंदर कि कैसे कैसे आप एविडेंसेज ऑब्टेन करते हो वो सारे काम आप यहाँ करोगे, बट यहाँ आप मैनेजमेंट के हिसाब से काम कर रहे हो और उन सबको ऑब्टेन करते हुए आप अपनी रिपोर्ट बनाओगे फैक्चुअल फाइंडिंग पे। ये सब काम करने के बाद हम क्या कर देंगे जी, एक रिपोर्टिंग बना देंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये स्टैंडर्ड दिया ही क्यों है, आया ही क्यों है? तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस स्टैंडर्ड में कुछ है ही नहीं तो इसलिए मैं बना रहा हूँ आपके लिए रिपोर्टिंग के ऊपर कि जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में बता दो भैया रिपोर्टिंग के अंदर आप क्या क्या कवर करोगे। तो सर ये सारे पॉइंट याद करने नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हो एनी 4 to 5 points अपने रेफरेंस के लिए लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन 4-5 में ना भैया ये मत कवर करना। कुछ बच्चे कहें जी ठीक है 5 पॉइंट कवर करने, एक काम करते हैं टाइटल एड्रेस डेट ऑफ रिपोर्ट प्लेस ऑफ रिपोर्ट ऑडिटर सिग्नेचर, हो गए 5 रिपोर्ट। ऐसा मत करना, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लो जी, तो कोई भी आप मेन मेन बातें यहाँ की आप अपने लिए मार्क कर सकते हैं। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है तो सबसे पहले आप बताना कि एक एश्योरेंस नहीं है। देखिएगा एक बार रीड कर लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू विच द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर हैव बीन अप्लाइड। आपने क्लियरली बताना है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि आपने किस किस पे काम किया। फॉर एग्जाम्पल यू कैन मैंशन क्लियरली कि वे हैव वर्कड अपॉन डेटर ट्रेड पेबल इन्वेंट्री, तो आपने वो सारा क्लियरली बताना है। स्टेटमेंट दैट प्रोसीजर परफॉर्म वर दोज एग्रीड अपॉन विद द रिसिपिएंट, जिसको आप रिपोर्ट देने वाले हो ये प्रोसीजर उन्होंने आपने उनके साथ एग्री करके बनाया है। दूसरा पॉइंट ये हो गया, स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट वॉज परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद दिस स्टैंडर्ड एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। आप अपना रिपोर्ट में बता सकते हो भैया हमने SRS 440 को फॉलो करते हुए काम किया है। आपका पर्पज क्या था वो आप मेंशन कीजिएगा। ए लिस्टिंग ऑफ द स्पेसिफिक प्रोसीजर अगर आपने कुछ परफॉर्म किया है वो आप दीजिएगा। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर फैक्चुअल फाइंडिंग आप अपना डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, इंक्लूडिंग सफिशियंट डिटेल ऑफ एरर एंड एक्सेप्शन फाउंड, इफ यू फाउंड एनीथिंग आपने उसकी डिटेल देनी है। स्टेटमेंट दैट प्रोसीजर परफॉर्म डू नॉट कंस्टिट्यूट ईदर एन ऑडिट और ए रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप जरूर प्लीज मार्क कीजिएगा। स्टेटमेंट दैट द प्रोसीजर परफॉर्म डू नॉट कंस्टिट्यूट ईदर एन ऑडिट और ए रिव्यू एज सच नो एश्योरेंसेज एक्सप्रेस, ये पॉइंट आपने कवर करना ही करना है। स्टेटमेंट दैट ऑडिटर परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर एन ऑडिट और ए रिव्यू अदर्स मैटर माइट हैव कम टू द लाइट दैट वुड हैव बीन रिपोर्टेड। स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज पार्टीज दैट हैव एग्रीड टू द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। स्टेटमेंट व्हेन एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है दैट द रिपोर्ट रिलेट ओनली टू द एलिमेंट स्पेसिफाई एंड इट डज नॉट एक्सटेंड टू द एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज ए होल, जितना काम दिए बस उतने ही रिपोर्ट है। तो अब कोई भी 4-5 पॉइंट यहाँ से सी से लेकर आई तक अब एनी 4 or 5 points यू कैन लर्न और यू कैन मेक ए नोट इन योर नोटबुक, ठीक है जी। आपने दो क्वेश्चन करने हैं, दो क्वेश्चन कौन कौन से कि सर व्हाट इज ऑडिट वर्सेस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, बेसिक डिफरेंस क्या है, आप एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। दूसरा रिपोर्टिंग के अंदर आप क्या क्या कवर करेंगे, एग्रीड अपन प्रोसीजर्स की रिपोर्ट में डायरेक्ट आपके पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा और कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना, आपने 5 पॉइंट लिख देने हैं, काम खत्म हो जाता है। लो जी अगला भी बहुत सिंपल है, SRS 440। इसके लिए मैं आपको पहले बेसिक ना 2 मिनट में पूरा स्टैंडर्ड खत्म कर देता हूँ। अभी तक आपने देखा कि हम पीछे जब ऑडिट कर रहे थे तो आपने बहुत सारी एथिकल रिक्वायरमेंट देखी, आपने देखा ऐसे 210 के अंदर आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ता है जिसके अंदर प्री कंडीशंस होती है, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी होती है। SQC 1 के अंदर जो कि आपके हर तरह के एंगेजमेंट पे लगता है आपको क्वालिटी वेरीफाई करना होता है। ऐसे 220 में पार्टनर एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ओवरऑल वो क्लाइंट को देखे, रिव्यू को देखे, सुपरविजन को देखे, सारी चीज़ें को वेरीफाई करे। डॉक्यूमेंटेशन आपने देखा, एविडेंस आपने ऑब्टेन किया, ये सारे काम ऐसे 200 से लेके आखिरी तक मैं करता हूँ ऑडिटिंग के लिए। हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव वो होता है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस दैट शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू गिव एन ओपिनियन। यहां पर आपने बस आप है ना, वो स्टैंडर्ड कोट मत करना, आप अपने मन में वो ऐसे 200 से लेकर आखिरी तक वो सारी बातें ले आओ कि भाई अगर मैं क्लाइंट का कंपाइलेशन कर रहा हूं तो भी मुझे उन सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जब मैं ऑडिट करता हूं। एक डिफरेंस है, वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने बना रखे हैं तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट होती है हम उसमें लिखते हैं द फाइनेंशियल शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल शुड बी इंप्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट, जजमेंट शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट।
ये सारा हम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल देते हैं, हम उसका ऑडिट करते हैं। यहां पे हम बोल रहे हैं कि हम कंपाइलेशन करेंगे, तो यहां पे मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि ट्रू एंड फेयर डेटा देना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनेंशियल में जहां जहां जजमेंट यूज होगी वो जजमेंट लगाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेफिनेटली उन जजमेंट में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो बेसिकली अभी भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डेटा देना है। उस डेटा के बेस पे वहां मैं ऑडिट करता था, यहां मैं प्रिपेयर करूंगा, यहां मैं कंपाइल करूंगा फाइनेंशियल एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो जहां वर्ड ऑडिट था वहां पे आप कंपाइलेशन कर दो, एफआरएफ वर्ड भी सेम रहेगा, ऑडिटर की जगह प्रैक्टिशनर कर दो, समझ लो बाकी आपका ये पूरा कॉपी पेस्ट है, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। थोड़ा जजमेंट लगाना कि वहां मैनेजमेंट डेटा देता था, आप रिव्यू ऑडिट करते थे, यहां मैनेजमेंट डेटा दे रहे हैं, आप उसके बेस पे प्रिपेयर कर रहे हो। अब मैं आपको करवा देता हूं ये रीड, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले डेफिनेशन से मैं स्किप करवा रहा हूं, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आऊंगा। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, जितने भी हम SRS SAE कर रहे हैं, आपने देखा होगा तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सेप्टेंस एग्जीक्यूशन रिपोर्टिंग। तो यहां पे भी स्टेप वन आप सीधा वही देखेंगे, स्टेप नंबर वन एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन। सर ये तो हम 220 में पढ़कर आए थे, क्या सेम पॉइंट मिलेंगे? जरा रीड कर लो, अगर आपको कुछ भी अलग लगे तो बताना, सेम पॉइंट है बिल्कुल, ठीक है जी। Continuation of client relationship, engagement, acceptance and agreeing the terms of audit engagement. The terms of engagement, या मैं audit engagement नहीं बोलना, the terms of engagement. देखिएगा, word auditor की जगह क्या use करेंगे जी? Practitioner use करेंगे. सर समझ गए हम ये बात. देखिएगा, the practitioner, और वहां पे क्या use होता था? The auditor should not accept. बस word change हुआ, बाकी सब कुछ same है. The practitioner, तो सर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके सामने लिख दें टेक पॉइंट फ्रॉम दी एसए नंबर 220 एंड एवरीथिंग इज सेम, जस्ट रिप्लेस द वर्ड ऑडिटर विद द प्रैक्टिशनर। यू कैन डू इट, बट आप मेरी माने तो एक समरी बना के रख लीजिए क्या जा रहा है, दोबारा रेडी तो करना पड़ेगा। द प्रैक्टिशनर शैल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट अनलेस द प्रैक्टिशनर हैज एग्रीड द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। वहां पे हम ऑडिट एंगेजमेंट बोल देते थे, विद मैनेजमेंट एंड द एग्री एंगेजिंग पार्टी इफ डिफरेंट इंक्लूडिंग, क्या क्या जी, क्या क्या करते थे वहां पे, द इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन इधर इट्स यूज और डिस्ट्रीब्यूशन वेयर एप्लीकेबल। भैया अच्छे से डिस्कस कर लो, अच्छे से एग्री कर लो, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, किसको रिपोर्ट करना है, किसको देना है, आपस में डिस्कस करके एग्री कर लो, ठीक है जी। वहां पे भी आप आइडेंटिफाई करते थे क्या एप्लीकेबल एफआरएफ, यहां भी आइडेंटिफाई करोगे कि किसके हिसाब से आपको कंपाइलेशन करना है, किसका कंपाइलेशन, फाइनेंशियल्स का। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आप एफआरएफ लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, आप एफआरएफ लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। क्यों नहीं काम कर रही है? FRF, ठीक है जी। The objective and scope of compilation engagement, सर ये तो बिल्कुल डिट्टो पॉइंट है, बिल्कुल जी। The objective and scope of compilation engagement, उसके बाद the responsibility of practitioner, सर वहां responsibility of auditor word use होता था, management होता था, including the requirement to comply with the relevant ethical requirement. तो चार पॉइंट ये हो गए, अब नीचे आ जाइए। The responsibility of management for the financial information and for the preparation and presentation thereof in accordance with FRF that is acceptable ko please highlight kijiye in a view of the intended use of the financial information and the intended user, management ki responsibility bata rahe hai, theek hai ji। Design, implementation and maintenance of such internal control ko highlight kijiyega, as management determine it necessary to enable the preparation of financial statement that are free from material misstatement whether due to fraud or error। द एक्यूरेसी एंड कम्प्लीटनेस, प्लीज हाईलाइट कीजिएगा वर्ड एक्यूरेसी एंड कम्प्लीटनेस, ऑफ द रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई मैनेजमेंट फॉर द कंपाइलेशन एंगेजमेंट। एंड जजमेंट को हाईलाइट कीजिएगा, जजमेंट नीडेड, जजमेंट को प्लीज आप सब लोग को हाईलाइट कीजिएगा, जजमेंट नीडेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग दोज फॉर विच द प्रैक्टिशनर में प्रोवाइड असिस्टेंस इन द कोर्स ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ये है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे फाइनेंशियल्स को एफआरएफ के हिसाब से बनाना, इंटरनल कंट्रोल लगाना,
डेटा एक्यूरेट प्रोवाइड करना और जजमेंट में सपोर्ट करना या जजमेंट हमारे हिसाब से लेना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। उसके बाद क्या कहता है, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट क्या रहेगा, वो भी आप एग्री कर लो, डिस्कस कर लो और एक पेपर पे लिख लो। द प्रैक्टिशनर शैल रिकॉर्ड द एग्रीड टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट इन एन एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट प्रायर टू परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। लैंग्वेज भी आप जाके देख लो, ऐसे 200 की ना कॉपी पेस्ट है, इवन वर्ड भी चेंज नहीं है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन एक्सेप्टेंस को लेकर, इंपॉर्टेंट नहीं है तो सिर्फ आप की पॉइंट अपनी नोटबुक में बनाएंगे, सिंगल सिंगल पॉइंट कि भाई क्या क्या ध्यान रखना है, मोर देन सफिशिएंट। दूसरा आता है एग्जीक्यूशन, परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट स्टेप नंबर टू, कि भैया जब आप काम कर रहे हो क्लाइंट प्लेस पे तो आप किन चीजों का ध्यान रखोगे। तो यहां पे भी ना याद है आपको, आप जब ऑडिट करते थे तो सबसे पहले ऐसे 315 फॉलो करते थे, बिजनेस को समझते थे, रिस्क को समझते थे, ऑडिट कर रहे। यहां अब आप बना रहे हो, तो जब मुझे किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स कंपाइल करने तो क्या मुझे बिजनेस अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी? यस सर। तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा, उसके बाद एफआरएफ के हिसाब से इंफॉर्मेशन लेके उनको कंपाइल करना स्टार्ट करेगा। यहां मैं एक बात लिख रहा हूं आपके लिए कि ये याद करना है, ये क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं इसको, बस एक ही क्वेश्चन मार्क किया है मैंने इंपॉर्टेंट दोनों ही एसआरएस से, ये लर्न करना है जी, ठीक है। लो जी, द प्रैक्टिशनर अंडरस्टैंडिंग लेगा जी, किसकी देखेगा, द प्रैक्टिशनर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग मैटर सफिशिएंट टू बी एबल टू परफॉर्म कंपाइलेशन एंगेजमेंट। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग, द एंटिटी बिजनेस एंड ऑपरेशन इंक्लूडिंग द एंटिटी अकाउंटिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग इट्स एप्लीकेशन इन द एंटिटी इंडस्ट्री। आप चाहें तो समरी फॉर्म में समरी बनाकर रख लीजिएगा। फिर उसके बाद कहता है कंपाइल करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के बाद कंपाइलिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कीवर्ड मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रहे हैं, आप कर रखें, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। द प्रैक्टिशनर शैल कंपाइल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजिंग द रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेनेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, ठीक है जी। दूसरा, द प्रैक्टिशनर शैल डिस्कस विद मैनेजमेंट और दोस चार्ज विद गवर्नेंस एज अप्रोप्रिएट, सेम ऑडिट वाला ही है, दोस सिग्निफिकेंट जजमेंट फॉर विच द प्रैक्टिशनर हैज प्रोवाइडेड असिस्टेंस इन द कोर्स ऑफ कंपाइलिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। प्रायर टू कंप्लीशन द एंगेजमेंट द प्रैक्टिशनर शैल रीड द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन लाइट ऑफ द प्रैक्टिशनर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी बिजनेस एंड ऑपरेशन एंड ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आप चाहें तो जो मैंने वर्ड हाईलाइट कर रखे हैं आप वो अपनी समरी में लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। तीन बेसिक पॉइंट हो गए, कंपाइल करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन के बेस पे, सिग्निफिकेंट जजमेंट को डिस्कस करेंगे और फाइनेंशियल्स को रीड आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे सबसे। फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट सिक्स्थ पॉइंट पे केस स्टडी बन सकती है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैन कम इनटू एग्जाम, प्लीज मेंशन कर लीजिए, केस स्टडी आपकी यहां से आ सकती है। देखिएगा, इन द कोर्स ऑफ द कंपाइलेशन एंगेजमेंट The practitioner become aware that the records, document, explanation or other information including significant judgment provided by management for the compilation engagement are incomplete. ऐसा हो सकता है ना, देखो management की responsibility क्या थी कि सारा data आपको factual base पे correct देना, true and fair देना, लेकिन मान लो वो आपको incomplete data दे रहे हैं, inaccurate data दे रहे हैं और otherwise you are unsatisfied. The practitioner ऐसे केस में क्या करोगे, bring that to the attention of management or those charged with governance and request the additional or corrected information. सर अगर ना दे तो छोड़कर चले जाओ। If the practitioner is unable, इसी के continue में, to complete the engagement because the management has failed to provide records, document, explanation or other information including significant judgment as requested, the practitioner shall withdraw from the engagement and inform management and those charged with governance of the reason of withdrawal. ठीक है जी। If the practitioner become aware during the course of the audit, पहले था कि हमें मिल ही नहीं रहा, अब कह रहे during the course of the audit, you are aware, क्या जी किस चीज से अवेयर हुए, क्या that number one, the compiled financial information does not adequately refer to or describe the applicable financial reporting framework. भी जो मुझे पता चल रहा है कि जो financial नहीं FRF के हिसाब से बनी नहीं रहे हैं। Amendment to the compiled financial information are required for the financial information not to be materially misstated. आप conclude करते हो कि इसके अंदर amendments होनी ही चाहिए। The compiled financial information is otherwise misleading the practitioner. तो क्या करोगे आप, जाके propose करेंगे changes. Shall propose the appropriate amendments to the management. तो तीन ये question हो गए एक तरह से कि अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे आप, management को जाके हम suggest करेंगे, या तो management ठीक कर देगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं करेगा तो वापस से ये वाली बात आ जाएगी। If management decline
और डज नॉट परमिट द प्रैक्टिशनर टू मेक द प्रपोज अमेंडमेंट टू द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, द प्रैक्टिशनर शैल विदड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड इन्फॉर्म मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ द रीजन ऑफ विदड्रॉल. तो क्या कर दूं मैं, पॉइंट नंबर 5 और 7 आर सेम, बस थोड़ा सा माइंडसेट अलग है. यहाँ पे हमें ड्यूरिंग ऑडिट पता चल रहा है, वहां पे इनिशियली वो हमें डेटा नहीं दे रहा. तो यहां लिख लीजिए आप पॉइंट नंबर 5 और 7 सेम है जी, तो रट्टाफिकेशन मत करना. इफ विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट इज नॉट पॉसिबल, द प्रैक्टिशनर शैल डिटरमाइन द प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सर ये तो वही है जो ऑडिटर फ्रॉड वाले, मैंने कहा ना एज इट इज कॉपी पेस्ट है, एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टांस. द प्रैक्टिशनर शैल ऑब्टेन एन अक्नोलेजमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस एज अप्रोप्रिएट दैट दे हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनल वर्जन ऑफ द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. क्योंकि अल्टीमेटली साइन तो उन्होंने ही करना है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इस पर ना आपको जो याद करना है वो पॉइंट भी बता देता हूँ मैं आपको. ये ऊपर वाले तो आप समरी में याद कर लेना बेसिक, ये दो पैराग्राफ आप याद करके जाना, 4 और 5 लर्न पैरा. ऊपर वाले तो कर ही लेना, नीचे वाले भी 4 और 5 को थोड़ा अच्छे से कर लेना. लैंग्वेज नहीं रटनी है, अपने हिसाब से लिख सकते हो, बेसिक लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट 4 और 5 दो पैरा बनेगा. यदि एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भैया आप कंपाइलेशन के लिए गए थे एंड एट द एंड ऑफ द ऑडिट, एट द एंड ऑफ द कंपाइलेशन बार बार ऑडिट निकलता है, यू आइडेंटिफाइड और मैनेजमेंट डिड नॉट प्रोवाइड यू, डू नॉट प्रोवाइड यू द डॉक्यूमेंट्स, तो आप क्या करोगे, तो आपने ये दो पैरा आपके आंसर में जाएंगे, ये आपने याद रखना है. ठीक है, वैसे हालांकि क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये बेसिक फिर जैसे हमारे स्टैंडर्ड में होता है कि भैया आपने सब कुछ किसके साथ कम्युनिकेट करना है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, और उसके बाद एक रिपोर्ट बना के काम को खत्म कर देना है. द प्रैक्टिशनर शैल कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एज एप्रोप्रिएट ऑन ए टाइमली बेसिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कंपाइलेशन एंगेजमेंट. ऑल मैटर्स कंसर्निंग द कंपाइलेशन एंगेजमेंट दैट इन द प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल जजमेंट आर इन सफिशियंट इंपॉर्टेंट टू मेरिट द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एज एप्रोप्रिएट. तो आप यहाँ लिख सकते हो सेम एज एस 260 और 265, जस्ट रिप्लेस द वर्ड ऑडिटर विद प्रैक्टिशनर. फिर उसके बाद आ जाती है रिपोर्ट. रिपोर्ट आप सेल्फ देख लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ भी खास नहीं है, जैसे आप बाकी रिपोर्ट पढ़ रहे हो वैसे ही यही है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है तो मैं बता देता हूँ. सेम जैसे मैंने ऊपर बताया था एग्रीड अपन प्रोसीजर में, वही बात आपको यहाँ भी याद रखनी है. Since this is a compilation engagement, it is not an assurance engagement. The practitioner is not required to verify. The practitioner is not required to verify. क्योंकि हम मान के चल रहे हैं मैनेजमेंट एक्यूरेट डेटा देगी, मेरे को नहीं वेरीफाई करना. इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई, ये हाईलाइट करो बेटा. इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट फॉर द कंपाइलेशन. ये हाईलाइट कीजिएगा और इंपॉर्टेंट भी मार्क कीजिएगा इसे. एंड द प्रैक्टिशनर डज नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन और ए रिव्यू कंक्लूजन. ये तो बेसिक था, आप बताई दोगे. इफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड ए स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आप एक एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ डाल सकते हो. डिस्क्राइब द पर्पज फॉर विच द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये बेसिक था. ड्रो द अटेंशन, ये भी बेसिक था. तो बस आपने यही एक बात याद रखनी है कि भैया एक्यूरेसी हम नहीं वेरीफाई कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं मैनेजमेंट देगा. ये भी बेसिक बात है, बाकी कुछ भी स्पेशल नहीं है. चलो जी क्वेश्चन बैंक करें. क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. रेकरिंग एंगेजमेंट है तो आपने टर्म्स वगैरह को कब कब रिवाइज कर सकते हो, 210 वाले वो सारे पॉइंट. डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में मैंने पॉइंट नहीं बनाए, क्यों, क्योंकि आप सारे ना स्टैंडर्ड से पॉइंट उठा के ला सकते हो. तो लकीर के फकीर, और प्लीज़ भैया रट्टा तो तू मत बनना. कल को पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि बताओ भैया कंपाइलेशन एंगेजमेंट में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट करोगे, तो बच्चा कहेगा यार एक ही लाइन तो दी है पे किताब में, मैं कैसे लिखूँ 5 पॉइंट. तो ऑडिट में क्या क्या डॉक्यूमेंट करते हो, सर सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट, सिग्निफिकेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट मैटर्स, एग्रीमेंट, सारी टर्म्स, सब कुछ डॉक्यूमेंट करते हो ना, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट. तो यहाँ पे भी वही सारे पॉइंट डाल दो, बस जहाँ ऑडिट है वहाँ वर्ड क्या डाल दो, कंपाइलेशन, काम खत्म. लीजिए देखिएगा एग्जाम के क्वेश्चन. तो इसमें क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूँ, अगर आप समरी बनाओगे तो कहाँ कहाँ क्या क्या क्वेश्चन जाएंगे. पहला क्वेश्चन तो जाएगा आपका एसेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएशन का, ठीक है जी. दूसरा क्वेश्चन जाएगा आपका एग्जीक्यूशन का, पॉइंट एग्जीक्यूशन के 6 पॉइंट ले जाना, लेकिन इस पर एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. देन रिपोर्ट पे मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन बनता है, 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, बाकी तो आप सब स्टैंडर्ड की नॉलेज से ला के दे सकते हो. देखिएगा पहला क्वेश्चन, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई करो, मतलब मेरे करवाने से पहले आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन एक बार आपको पहले खुद से ट्राई करने चाहिए, फिर अगर कुछ ना समझ आए तो आपको वीडियोस देखनी चाहिए. देखिएगा
अब बंद मत कर देना वीडियो इस चक्कर में कि चलो कपिल सर बोल रहे हैं तो खुद से कर लेंगे। खुद से करोगे नहीं आप, दिक्कत यही है, खुद से नहीं करते हो। देख लो, ए कंपनी आस्क यू टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ कंफर्मेशन ऑफ इट्स अकाउंट रिसीवेबल हैविंग बैलेंस इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख एज पर इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एट द क्लोज ऑफ द ईयर। द वर्क टू बी परफॉर्म ओनली इन्वॉल्विंग प्रिपरेशन एंड सेंडिंग कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट टू सच पार्टी। सिर्फ इतना ही काम है, कन्फर्मेशन बना के देनी है। एनालिसिस ऑफ वेरिएशन ऑन रिसीट ऑफ कन्फर्मेशन एंड सबमिशन ऑफ ए रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। वॉट पॉइंट्स हैव टू बी कैप्ट इन माइंड फॉर इंक्लूजन इन रिपोर्ट स्पेशली फॉर सच एंगेजमेंट। रिपोर्ट में क्या क्या लेकर जाओगे इस एंगेजमेंट में बताओ। देखो अभी आपने एग्रीड अपन प्रोसीजर पढ़ा है तो आपको पता है भाई एक ही क्वेश्चन बनता था वो आ गया। लेकिन सोचो अगर किसी बच्चे ने ये स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा और पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए वो कभी ज़िंदगी में नहीं बता पाएगा कि SRS 4400 से क्वेश्चन आया है, एग्रीड अपन प्रोसीजर का क्वेश्चन आया है और इसमें रिपोर्ट के कोई 4-5 पॉइंट डालने हैं। तो आपने करना तो 100% पड़ेगा तभी आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। लो जी ठीक है, मैं पॉइंट नहीं रीड कर रहा हूँ, दूसरा देखिएगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग ए कंपाइलेशन एंगेजमेंट, साफ साफ बोल रहे कंपाइलेशन एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद SRS 4410, ठीक है नंबर भी बता रहे हैं। इट बिकम नोन टू यू दैट द क्लाइंट हैज सफर्ड ए थेफ्ट लॉस ऑफ ₹100 लाख ऑफ इस इन्वेंट्री ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एट ए स्टोरेज लोकेशन विजिटेड इनफ्रिक्वेंटली। भैया 1 करोड़ का लॉस हो गया। ए क्लेम वॉज लॉस बाय द क्लाइंट विद इंश्योरेंस कंपनी विच वॉज रेप्यूटेड ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल रीजन रिलेटिंग टू कवरेज ऑफ द पॉलिसी। ठीक है जी, द क्लाइंट हैज नॉट प्रेफर ए कंप्लेंट और एन अपील अगेंस्ट सेड रेप्यूटेशन। उसने कोई अपील नहीं की, कोई केस फाइल नहीं किया। द अमाउंट इज रिफ्लेक्टेड अंडर द हेड करंट एसेट, स्टिल वो 1 करोड़ रुपये करंट एसेट आ रहे हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ द क्लाइंट, डिस्कस हाउ यू शुड प्रोसीड टू डील विद द मैटर। देखो दो चीज़ें इसने आपको साफ साफ बताई, आंसर मत देखना प्लीज अभी। दो चीज़ें इसने आपको साफ साफ बताई क्वेश्चन के अंदर कि नंबर वन वो कंपाइलेशन एंगेजमेंट है, उसने आपको नाम भी दे दिया कि भैया ठीक है अगर आपको नाम याद ना आए तो। तीसरा फिर अब दो उसने चीज़ें बता दी कि भैया कंपाइलेशन एंगेजमेंट है, फिर उसने सिचुएशन बता दी कि 100 लाख का आपका ऑलरेडी लॉस हो चुका है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये बुक्स में नहीं आएगा जो कि आपकी करंट कहाँ गया, जो कि आपके करंट एसेट में आ रहा है। तो एज पर FRF जो होना चाहिए वो नहीं है। डिस्कस हाउ यू शुड प्रोसीड टू डील विद दिस मैटर एज एन प्रैक्टिशनर, आप क्या करेंगे। तो ये वही दो पैराग्राफ है जिसकी मैं बात कर रहा था, हालांकि यहाँ पे सही से नहीं लिखे, आपको दो पैराग्राफ बनाते हुए स्टैंडर्ड का नाम कोट करते हुए लिखना है। मैं एक बार रीड कर दूँ, बिल्कुल कर दीजिए सर। इन द इंस्टेंट केस, पहले आप ऐसे नहीं लिखेंगे आंसर, या ICAI का आंसर ICAI स्टडी मटेरियल का है, आपने ऐसे नहीं लिखना है। आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड को कोट करना है, ये पैराग्राफ नीचे लिखना है, फिर क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना है जैसे मैंने स्टैंडर्ड में सिखाया था, और फिर आखिरी में अपना कंक्लूजन फ्रेम करना है। ठीक है, इन द इंस्टेंट केस अमाउंट ऑफ ₹100 लाख इज रिफ्लेक्टेड अंडर द हेड करंट एसेट इन ट्रायल बैलेंस सिंस क्लाइंट्स क्लेम हैज बीन रिपीटेड एंड नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड, इट इज ए लॉस फॉर द क्लाइंट एंड शुड बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। तो ये हमें आखिरी में लिखना है। देयरफॉर अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। अब ये बात करेगा स्टैंडर्ड की। If the practitioner become aware during the course of the engagement that amendment to the compiled financial information are required for the financial information not to be materially misstated or the compiled financial information is otherwise misleading, the practitioner shall propose the appropriate amendment to management. ठीक है जी, अब आपने अगले पैरे में स्टार्ट करना है। If management decline or does not permit the practitioner to make the proposed amendment to the compiled financial information, the practitioner shall, ये आप bullet point में लिख सकते हो, shall withdraw from the engagement, inform management and those charged with governance or the reason for withdrawing. If withdrawal from the engagement is not possible, the practitioner shall determine the professional and legal responsibility applicable in the circumstance. तो पैराग्राफ नंबर 4 और 5 आप करके जा सकते हैं, वो इसमें आप डाल सकते हैं। अब आता है केस बेस MCQ। ये मैं आपको बोलूं कि आप सेल्फ ट्राई करें, ये आप सेल्फ ट्राई करो, ठीक है जी, ठीक है, ये सेल्फ ट्राई करो। मैं तो सारे YouTube पे करवाई दूंगा चैप्टर वाइज, लेकिन आप एक बार सेल्फ ट्राई करो क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से करना पड़ेगा, वहां मैं रीड नहीं करूंगा आपके लिए, और मुझे लगता है ये आपको खुद से एक बार रीड करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, लो जी
नंबर वन क्वेश्चन, लिस्ट आउट फ्यू इंटेंडेड पर्पज ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। कंपाइलेशन एंगेजमेंट का पर्पज क्या क्या हो सकता है? तो तीन पर्पज इस आंसर में दिए हैं, फॉर मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस प्रिपेयर्ड ऑन ए बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर देयर पर्टिकुलर पर्पज, फॉर पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडरटेकन फॉर एक्सटर्नल पार्टी सच एज कॉन्ट्रैक्ट और अदर फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट उनके लिए बना सकते हो, फॉर ट्रांजेक्शनल पर्पज बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट ए ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग चेंजेस टू द एंटिटी ओनरशिप और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ये आपकी बुक में कवर्ड नहीं है, पर्पज ऑफ फाइनेंशियल एंगेजमेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक में है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसको लगता है कि भाई मैं बार बार क्वेश्चन बैंक नहीं रीड करूंगा, तो व्हाट यू कैन डू, आप जो अपने नोट्स बना रहे हो वहीं पे ही जब आप कंपाइलेशन एंगेजमेंट स्टार्ट करेंगे तो पहला ही क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हो पर्पज ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नोट्स भी नहीं बना रहा है, उसे लगता है यार बुक में ही मैंने क्वेश्चन मार्क कर लिए, बाकी मैं वहीं पे स्किप करता हूँ आगे बढ़ूंगा एग्जाम में, तो आप बुक में ही कहीं पे भी पर्पज ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट मार्क करके लिख लीजिएगा। ओके चलो जी, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट फॉर ए कंपाइलेशन एंगेजमेंट टू बी परफॉर्म अंडर SRS 4410, इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट, बेसिक है, हाँ, इंडिपेंडेंट को आप मार्क करके अलग से बता सकते हैं, तो ये भी जनरल क्वेश्चन था। हाउ डू रिलेटेड सर्विस डिफर फ्रॉम एश्योरेंस, तो ये भी रिलेटेड SRS वर्सेज एश्योरेंस एंगेजमेंट डिफरेंस क्या है, ये वो क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, डायरेक्टली कवर हो जाता है। डिस्कस मेन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट टू बी टेकन बाय द प्रैक्टिशनर वाइल परफॉर्मिंग ए कंपाइलेशन एंगेजमेंट। डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या क्या कवर करोगे, जिसका मैंने एग्जाम्पल आपको डिस्कस के टाइम पे लिया था, सिग्निफिकेंट मैटर्स, ठीक है, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की सारी इन्फॉर्मेशन, फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आप चाहें तो इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। मैं आपको एक राय दे सकता हूँ, ये तीन पॉइंट जो है ये आप अपनी बुक में जाके, जो डॉक्यूमेंटेशन वाला कॉलम है, आखिरी कॉलम है SRS 4410 का, वहाँ ही जाके आप एग्जाम्पल अपडेट कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन बैंक में दोबारा ना आना पड़े। ठीक है सर, आखिरी क्वेश्चन देखिएगा। CAP हैज बीन अपॉइंटेड टू कंपाइल द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्स लिमिटेड। CAP इज कंफ्यूज वेदर ही शुड अप्लाई द सेम प्रोसीजर विच आर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाई टू कंडक्ट एन ऑडिट, और देर आर सम अदर प्रोसीजर टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज अंडर सच एन एंगेजमेंट। डिफाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। What should be the approach of CAP for performing the engagement? For performing the engagement, what should be the approach? मतलब आपने execution वाले point यहाँ पे डालने हैं, जो आप compilation engagement के अंदर पढ़ते हो, तो सारे execution के point आ जाएंगे। आप इस question को remove कर सकते हो, क्योंकि ये same आपका book का ही पूरा concept यहाँ पे paste कर दिया गया है। चलो जी, ये था आपके दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे standard, SRS 4400, SRS 4410। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा इस छोटे से वीडियो में, आपको मैं बताना चाहूँगा, हल्के में मत लीजिएगा। आपको लग रहा होगा यार कुछ है ही नहीं, मतलब छोड़ के चले जाओ, हल्के में मत लीजिएगा। टोटल तीन क्वेश्चन बनते हैं दोनों SRS से, डबल ओ के अंदर तो एक रिपोर्टिंग का क्वेश्चन बनता है, एक बनता है आपका रिव्यू, रिलेटेड सर्विस वर्सेज एश्योरेंस, इसके अंदर आपका प्लानिंग एग्जीक्यूशन दो क्वेश्चन बनते हैं, और एक मैंने एग्जीक्यूशन के अंदर ही सब पार्ट बनाया था। तो प्लीज़ नोटबुक में जरूर मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे याद करने पड़ेंगे, ये चार चार पांच पांच पॉइंट आपको, और पेपर में आ गया तो फिर आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि कौन से पॉइंट लिखने हैं क्या नहीं लिखने हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं वो आपको SRS का नंबर भी बता रहा है, कंपाइलेशन भी बता रहा है, साफ साफ आपको हिंट दे रहा है कि मैं भैया आपसे रिलेटेड सर्विस का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चलो जी, इस वीडियो में इतना ही, अगले भी एक 40 मिनट का वीडियो बनेगा या ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे का वीडियो बनेगा, उसके अंदर हमारे बस अब दो स्टैंडर्ड बचे हैं हमारे, वो दो स्टैंडर्ड हम कवर करेंगे एंड देन इट्स ओवर, सारे स्टैंडर्ड आपके ख़त्म। और हमने सबसे अच्छी चीज़ क्या की है, सारे क्वेश्चन साथ साथ कवर कर लिए, तो ये मुझे लगता है आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप फटाफट से अपने नोट्स बनाकर इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, बट दैट इज़ बेसिस ऑन माई जजमेंट, ठीक है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई जो मैं बोलने जा रहा हूँ ऐसा ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है, ये मेरा अपना थॉट है कि जो आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का पोर्शन है, ठीक है, वो आपके पेपर में मिनिमम मिनिमम 40 टू 50 मार्क्स का आ सकता है। तो प्लीज़ इस पूरे पोर्शन को, इस पूरे मॉड्यूल को जो मैंने मॉड्यूल वन आपके लिए बनाया है, इस पर अच्छे से काम कीजिएगा और इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। और जो आने वाला मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर टू, उसके अंदर ज़्यादातर आपको लर्न करना पड़ेगा समझ कर। तो नोट्स तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं नोट्स बनाने चाहिए, क्या नोट्स आपको 100% बनाने चाहिए, क्योंकि कंफर्ट आपको तभी आएगा सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट सब समझ भी आ रहा होगा आपको। लेकिन आप खुद सोचो, एक हफ्ते बाद अगर आपसे पूछूं मैं कि बेटा एक ज़रा बात बताओ, वो रिपोर्टिंग के अंदर पांच पॉइंट थे, ज़रा कौन से थे ज़रा बताओ, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि
ये चीजें इतनी प्लेन है कि आपके माइंड से स्किप होती हुई चली जाएंगी, लेकिन अगर आपने छोटे छोटे नोट्स बना रखे हैं ना कहीं पे, और आप मान लो डायरेक्ट टेक्स पढ़ रहे हो, या आप FR पढ़ रहे हो, आप AFM पढ़ रहे हो, आपने 10 मिनट में 2 स्टैंडर्ड का रिविजन कर लिया। लेट से आप 2 स्टैंडर्ड की डेली की रिविजन की एक हैबिट बना लो अपनी लाइफ में कि भाई मैं ऑडिट में आगे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन मेरा पीछे का ना साफ होता जा रहा है, तो मैं इसको रिटेन कैसे करूँ, मेंटेन कैसे करूँ। तो आपने स्किल से आपने अपनी एक हैबिट बना ली कि मैं एक काम करता हूँ डेली की ना, 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स आई विल डिवोट टू ऑडिट, और उसमें मैं 10 मिनट में या तो 1 स्टैंडर्ड या 2 स्टैंडर्ड जो कपिल सर ने 4-5 क्वेश्चन मार्क करवाए हैं वो कर लूंगा, और PDF क्वेश्चन बैंक ही मेरे पास है ही, अगर उसका कोई क्वेश्चन दोबारा रीड करना है वो कर लूंगा। इससे क्या है ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अदरवाइज होगा कि आप पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे, आप सब कुछ खत्म कर लेंगे, पेपर भी आने वाले होंगे आपके जल्दी, लेकिन आप कॉन्फिडेंस कभी भी इस सब्जेक्ट पे नहीं लेकर आ पाएंगे यदि जो ये छोटी छोटी बातें मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, अगर आप इनको अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करेंगे। तो एक बात और मैं बोलना चाहूँगा आपसे, आज जब इस तरह की बातें हो ही रही हैं, तो अगर आप ऑडिट के अंदर बहुत अच्छे मार्क स्कोर करना चाहते हैं, तो ये जो डेली कंसिस्टेंसी के साथ मैंने आपको 10 मिनट्स बोला है सिर्फ, मैं आपको 2-3 घंटे नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 10 से 15 मिनट अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लें ऑडिट, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि 15 मिनट में ना आप 2 कंसेप्ट आराम से कवर कर लोगे। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ, मैं आपको यही बोलूँगा, आप अपने से ना बिल्कुल ईमानदार रहिएगा अपने साथ, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि दिस इज योर एग्जाम, आई एम हेल्पिंग यू। तो अपने साथ हमेशा ईमानदार रहिएगा, अपने साथ हमेशा बी ट्रू टू योर सेल्फ, ठीक है, अपने साथ हमेशा सही रहिएगा, सच्चाई रहिएगा। यू शुड नो कि वॉट इज रिक्वायर्ड टू पास इन दिस सी एग्जामिनेशन, अगर आपको वो पता है तो आप सी एग्जामिनेशन को क्रैक करने वाले हो, अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है तो आप लैक करने वाले हो, दिस इज द फैक्ट एक्चुअली। और यहाँ पे जो ऑडिट को पास करने की जो सबसे मेन बात है ना बेटा, आप चाहो तो अपनी बुक के ऊपर और अपनी दीवार पे लिख लो, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, डेली स्टडी ऑफ ऑडिट एटलीस्ट फॉर 15-20 मिनट्स, मैं कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं बता रहा हूँ, डोंट गिव एन एक्सक्यूज कि यू डोंट हैव टाइम। 15 से 20 मिनट अगर रोजाना आपने इस सब्जेक्ट को दे दिया, मार्क माई वर्ड, यू विल स्कोर 60+ मार्क्स इन ऑडिट, ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, इसको जेन्युइनली आप बहुत टाइम दे रहे हो, फिर तो आप यू कैन स्कोर 70-80 वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, वो तो फिर आपकी मेहनत हो गई, लेकिन एक मिनिमम टू मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर 60+ मार्क्स यू हैव टू डिवोट योर 15-20 मिनट्स डेली। इसी के साथ ही मैंने आई थिंक का एक ही बात को 10 बार बोल दिया है अलग अलग तरीके से, प्लीज़ एक लाइन लिख लीजिए आज अपनी दीवार पर, और दैट आई हैव टू स्टडी ऑडिट फॉर 20 मिनट्स डेली बेसिस, कभी स्किप नहीं करना। ऐसा करते करते हो तो मुझे बताना कि सर मैंने चालू किया है, एंड यू विल सी द इम्प्रूवमेंट, आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे, ठीक है। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, चलो आज माहौल बना हुआ है, मैं ना अपनी हेल्थ को लेके बड़ा नालायक हूँ, बड़ा मतलब नहीं करता हूँ अच्छे से चीज़ें, तो अभी पिछले 3 महीने से मैं डेली अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ, और आई एम डूइंग समथिंग, मैं योगा कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, आप लोगों ने कुछ वीडियो शायद यूट्यूब पे देखी भी हो, तो मैंने नोटिस किया यार मेरा तो वेट कम ही नहीं हो रहा है। इवन मैं आपको बेटर रियलिटी बताऊं तो इन लास्ट 3 मंथ्स मेरा वेट और बढ़ गया है, 2-2.5 किलो मैंने और गेन कर लिया है, इवन लूज नहीं किया है, और मैं कंसिस्टेंट हूँ योगा में, बिल्कुल डेली जाता हूँ, कहीं कोई मेरी अपसेंट नहीं होती। बट इसी के साथ ना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया है, जो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो मुझे मोटिवेट करता है डेली जाने के लिए, और वो है स्ट्रेंथ। मैं पहले, यकीन मानिएगा मेरी बात पर, मैं पहले 1 मिनट के लिए प्लैंक नहीं कर पाता था। आई होप आप लोगों को प्लैंक पता हो, जिसमें आप बेसिकली अपने शोल्डर के ऊपर, हाथ के ऊपर खड़े हो जाते हो, लेट जाते हो बेसिकली, आप देख लेना कोई मेरी यूट्यूब वीडियो या गूगल कर लीजिएगा। और आज बेटा मैं, टुडे आई ट्राइड एंड आई डिड इट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट मैंने प्लैंक कर लिया, एंड आई हैव ए टारगेट टू माई सेल्फ ओनली कि आई विल डू इट फॉर 10 मिनट्स इन कमिंग 1 मंथ। तो होता क्या है ना, वेट रिडक्शन हो या ना हो, लेकिन मुझे उसका एंड जो रिजल्ट है ना, वो ताकत जो फील हो रही है। ऐसे ही अगर आप 15-15, 20-20 मिनट डेली ऑडिट को करने लग जाओगे ना, तो आप देखना थोड़े टाइम के बाद जब मैं आपसे टेस्ट पेपर चालू हो जाएंगे, May 24 के, November 24 के, May 25 के, और जब आप उन क्वेश्चन को देखोगे इन द आंसर जस्ट क्लिक इन टू योर माइंड कि अरे यार वो 5 पॉइंट थे, देन यू विल रियलाइज कि यार मेरे को ना सब आता है,
एंड आई विल क्रैक द एग्जाम। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिएगा क्योंकि मेहनत आपने ही करनी है। जय हिंद।